हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ आशुतोष। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आपको इनॉग्रेशन वीडियो दूंगा एयरपोर्ट कानपुर एयरपोर्ट की, तो प्रॉमिस पूरा करने हम लोग आ गए हैं। आज है 26 मई और आज है कानपुर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन। अभी मैं ऑन वे हूँ, जा रहा हूँ अभी कार पे है। तो टाइमिंग था 12:30 का, बट थोड़ा डिले हो गया, पासेस ऐसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पासेस कैसे अरेंज हुए हैं। दो पासेस, एक नॉर्मल, एक थोड़ा वीआईपी पास है। हमने वीआईपी पास अरेंज कर लिया है, बेसिकली हमें मिला है, इसलिए कुछ ऐसे से नहीं किया है। ये मेरा भाई है और हम दोनों जा रहे हैं कानपुर एयरपोर्ट में इनॉग्रेशन में। चलिए वहाँ मिलते हैं। और आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं। हमारा वे है जाने का कानपुर एयरपोर्ट का। पूरे देखिए कितने बढ़िया सा वे बनाया है इन्होंने, बहुत ही सुंदर। ये देखिए पोस्टर लगे हैं, ये पोस्टर लगा है विजय कुमार का। और सीएम योगी जी आए हैं इनॉग्रेशन करने, और एविएशन मिनिस्टर आए हैं ज्योतिराज सिंधिया, एंड अदर मिनिस्ट्रीज भी हैं, सतीश महाना, प्रमिला पांडे, जैसे कि आप आगे देखेंगे। अब कानपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये देखिए कानपुर एयरपोर्ट, ये महाना, सतीश महाना की गाड़ी आ रही है। बहुत ही गजब का व्यू है। चलिए चलते हैं अंदर, फिर आपको दिखाते हैं और चीज़ें भी। कानपुर एयरपोर्ट बहुत पुलिस फोर्सेस लगी हैं, या लगे हैं। ये सीएम मोदी आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, योगी मोदी, मोदी निकल रहा है, सीएम योगी आ रहे हैं, एंड एविएशन मिनिस्टर मिसेज ज्योतिराज सिंधिया आ रहे हैं। देखिए ये पंडाल जो लगा है ये अपने सीएम के लिए लगा है, योगी जी के लिए। और अभी कोई भाषण भी दे रहा है, मैं बताता हूँ कौन स्पीच दे रहा है अपनी। यहाँ पे टेंट लगा था, यहाँ पे सीएम योगी का, सारी मिनिस्ट्रीज़ का बैठने का इंतजाम था, और स्पीच का इंतजाम पूरा हुआ हुआ था। और ये रहा हमारा कानपुर, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और गाइस सबकी अपनी अपनी स्पीच चल रही थी। अब मैं आपको यहाँ के बताऊँगा कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में। ये पूरा पंडाल लगा हुआ था, यहाँ पर वी आई पीज, नॉन वी आई पीज, पब्लिक की सबकी एंट्री अलग अलग थी। हम लोग वी आई पी पास में बैठे थे। और गाइस इसका एरिया जो है वो 6,243 स्क्वायर मीटर में पूरा फॉल है, मतलब मीन्स 16 टाइम बिगर देन द एग्जिस्टिंग टर्मिनल। और इसमें सारी फैसिलिटीज़ है, एयरपोर्ट लाउंज, वेटिंग लाउंज, बुक स्टॉल्स एंड अदर थिंग, एंड ये पूरा सोलर पैनल से सेंट्रलाइज। गाइस इस मूवमेंट पे बहुत तेज़ आवाज़ चल रही थी, मतलब बहुत तेज़ स्पीच हो रही थी, सारी फैसिलिटीज़ बताई जा रही थी एयरपोर्ट की, लाइक लॉन्च, बुक स्टॉल्स एंड अदर थिंग, जिसका पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है सब सोलर पैनल से है। एंड द मेन थिंग इसका जो इन्वेस्टमेंट आया है 150 करोड़ है अप्रॉक्स, एंड इसीलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर फीचर्स दिए हैं। और ये मेरा रहा वी आई पी पास, जो बहुत ही मस्त लग रहा था, इसी से हमारी एंट्री है। और ये है सीएम का अराइवल। सीएम अपने, ये स्क्रीन लगी थी और सीएम उसमें पूरा स्क्रीन पे कवरेज दे रहा था, क्योंकि सब लोग अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए सीएम देखिए ना अराइवल उनका हो चुका है। अरे बहुत ही प्राउड मोमेंट है गाइस, प्लीज़ कमेंट करें। ये देखिए सीएम आ रहे हैं और जल्द ही हमारे एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। और गाइस सब लोग इतने एक्साइटेड थे, लाइक या इट्स वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ ऑल्सो, और बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ये बातें मैं बार बार रिपीट करूँ कि सच में आई एम फीलिंग वेरी प्राउड एट एवरी मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट। सो हम लोगों ने पूरा एंजॉय किया, देखिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी और भीड़ बहुत एक्साइट। सीएम का अराइवल हो चुका है, सारे मिनिस्ट्रीज उनको पूरा एक फुल प्रिविलेज के साथ उनको इनॉग्रेशन करा रही है। और ये वी आई पी लॉन्च देखिए पुलिस फोर्सेस की, मज़ा ही आ रहा है। और उसके बाद मैं और मियां भाई बहुत सारा इन्जॉय कर रहे थे। और ये बहुत तेज धूप है, और सीएम जैसा आपने वीडियो देखा था, सीएम आज
चुके हैं, रतीश महाना आ चुके हैं, हरिवंश मिस्टर चुके सिंधे हैं, परमला पांडे अपनी संपत्ति पार्षद महापौर सॉरी, तो बहुत सब लोग सारी मिनिस्ट्रीज आ चुके हैं। इनॉग्रेशन हो चुका है, इनॉग्रेशन वीडियो मैंने डाली, थोड़ी ब्लर आई है क्योंकि बहुत दूर से था, इसलिए को दिखा था अंदर अभी अलाउ नहीं किया, एयरपोर्ट के अंदर अलाउ नहीं किया गाइज, बट बहुत सुंदर है, आप जरूर आइए, जरूर विजिट करिए। एक हमारे साथ पचका हो गया कि ब्लैक टी शर्ट नहीं अलाउ थी, मेरा भाई ब्लैक टी शर्ट पहन के आया, ब्लैक टी शर्ट बिल्कुल नहीं अलाउ है, आई डोंट नो व्हाई बट नहीं अलाउ है, बट जो भी हो एंट्री तो मिल गई हमको क्योंकि हम वी आई पी पास में और काफ़ी अच्छा था, वी आई पी में बैठा और बहुत ही अच्छा था इस एयरपोर्ट बनाया और बहुत ही प्राउड मूवमेंट है कानपुर के लिए, जैसा मैं पहले ही बोल रहा हूँ तो देख सकते हैं आप। सबसे मेन बात यहाँ कम प्राइस में कम सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं और सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए, मतलब आज योगी जी ने एक बात कही अपने स्पीच में कि चप्पल वाला आदमी, चप्पल पहनने वाला आदमी भी जाके एयरपोर्ट में जाते हैं और अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेगा। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन की कानपुर के लिए कि जहाँ कानपुर इज़ नोन फॉर लेदर एंड अदर थिंग्स बट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, बहुत ही प्राउड मोमेंट है गाइस। आप भी आइए, जरूर देखिए अपने कानपुर एयरपोर्ट को, हमारे घर के पास में तो हम तो डेली आएंगे, डेली देखेंगे और इसका प्रोग्रेस आपको दिखाते रहेंगे। बट फ्रेश हो गए हैं आप, पूरे प्लांट्स लग गए हैं यहाँ पर, पूरी वायरिंग हो गई है कि कोई अंदर ना जा सके, इधर पे हो गई, अब बहुत जोरों शोरों से प्रोग्रेस चल रहा है, जल्दी ही आपको यहाँ पे फ्लाइट देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ ज़रूर आए अपने कानपुर एयरपोर्ट में और आके अपनी पहली फ़्लाइट लें। हालाँकि बहुत ही मुझे भी अच्छा लग रहा है, इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस टूडे, बहुत ही अच्छा लगा, प्लीज़ आप भी ज़रूर आए अपनी पहली फ़्लाइट लें, इट वॉज़ वेरी प्राउड एंड वेरी अमेजिंग मोमेंट फॉर एवरी कानपुरेट। मैं ये बार बार अभी हमें मतलब बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहूँगा, तो आज के लिए ये कार पार्किंग इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी थी, तो हमारी कार यहीं खड़ी है और गाइस बहुत ही धूप है और कुछ खाया नहीं है अभी सुबह से, चलिए चलते हैं। गाइस ये था हमारा आज का सफ़र और बहुत ही प्राउड मोमेंट है, ये सब बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये था हमारा क्रॉ, इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा और डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वर्ल्ड ऑफ आशुतोष, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट, सारा प्यार दीजिए इस ब्लॉग को और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।